Hancu Murișer ne-i mai aia, Murișer ne-i mai aia! आ रही भैया वाह, हमें तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। ईद का दूसरा दिन आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। हमारे इलाके में इमरान खान आ रहा है तो उसका जलसा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ जलसे में खान को देखने के लिए और उसकी दो चार बातें सुनने के लिए कि खान क्या कहता है हमारे इलाके में आकर। और दिली ख्वाहिश थी बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तो इमरान खान को देखते आए हैं। एक तो हमारा कौमी हीरो है, दूसरी बात कि हमारा कौमी लीडर बन चुका है इस वक्त, और पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसकी वजह से पहले जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत अब दुगनी चौगनी मतलब कि हज़ारों गुना बढ़ चुकी है। तो अपनी मोहब्बत को ताज़ा करने के लिए और मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए मैं आज जाने वाला हूँ खान को देखने के लिए, खान को मिलने के लिए। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, जब से होश संभाला है और पता चला है कि ये इमरान खान है, तब से इमरान खान को हम चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। बस आपको यही बताना था। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है बेगम साहब से, मैंने कहा है कि मुझे चाय बना के दे दें और वो बना रही हैं चाय मेरे लिए। तो मैंने कहा कि शाम हो जाएगी, कोई 6 बजे जलसा है, खान ने पहुंचना है 6 बजे, तो कुछ ना कुछ खा पी के जाना चाहिए। सुबह का खाया हुआ कुछ नहीं खाया, और बेगम साहबा ने मेरे लिए चाय तैयार कर ली है। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने कबीर से कहा है कि कबीर बाहर से जा के ना रस वगैरह ले आऊँ, मैं कुछ खा लूँ, वरना ये ना हो कि मैदे की तकलीफ़ की वजह से पेट में दर्द पड़ जाए। तो बहरहाल जो भी होगा, हमारे मैदे में तकलीफ़ हो कुछ भी हो, तो मैं तो इमरान खान के लिए कुछ भी हो पेट ख़राब हो जाए, बेहोश हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो, तो मैं इमरान खान के लिए ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह उसको देखने के लिए। रस ले आया कबीर, सलाम किया कबीर आपने, देखे कब सलाम, एक मिनट रुको, ये देखें जी कबीर ने मीठा बहुत खाया, आम बहुत ज़्यादा खाए, मीठी चीज़ें के, और गर्मी है, गर्मी की वजह से इसके नाक पर और यहाँ माथे के ऊपर ये दाने में निकल आए हैं। सलाम करो। वाह भी वाह, अच्छा वैसे ठीक हो, ये देखो क्या पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है? देखे जी कबीर ने कच्ची पहनी हुई है, कच्ची गर्मी है इसलिए पहनी हुई है कच्ची। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ईद मुबारक। वाह भाई वाह, वाह कबीर वाह, अभी याद आया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम लोग जा रहे हैं रास्ते में है अभी, और इंशाल्लाह कान तक जरूर पहुंच पाएंगे, कोशिश हमारी पूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब खान की मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए।
इस भाई के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं रेंट पर, क्योंकि जगह है नहीं, सारे के सारे स्टैंड भरे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आ गए ना, ये कॉलोनी में जगह मिली है। तेरे बिच होना जरूरी है। ये सारी इमरान खान की मोहब्बत है ना, या कहीं की मोहब्बत है, या पाकिस्तान की मोहब्बत, या इमरान की मोहब्बत, या क्या करना आई वी आवाम इतना। ये इमरान के पिछू दीवाने न। इमरान खान को मजीद करीब से देखने के लिए सारे के सारे छत पर चढ़ गए। हर जगह पर आवाम ही आवाम, लोग देखा दीवारों पर, मकानों की छतों पर। आ रही भैया, वाह, हमें तो आ रही है, हमारी पहुंचे ना पहुंचे। आई 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 आई
Oh!
लेकिन
میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ آخری کھیل تک آپ نے مقابلہ کرنا ہے, اور جو میں یہ آپ کا جذبہ ضرور دیکھ رہا ہوں, 36 سال سے چھوٹے تھوڑے سے لوگوں سے اللہ کے کرم سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنائی, تو میں نے ایک چیز دیکھی, جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور انشاءاللہ یہ جو میں آپ سب سے چاہ رہا ہوں, میں موزم اور یاسر آپ کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیمیں ہر دروازے پہ پہنچے, دور کی دور جائے اور ایک پیغام دے سب کو, یہ الیکشن نہیں ہو رہی, یہ الیکشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے, یہ ایک امریکی سازش کے تحت ہمارے اندر پاکستان کے نام پر ڈاکٹروں کو مسلط کیا, 22 کروڑ عوام کی انہوں نے تحریم کی اپنے ملک پہ, اپنے ملک پہ امریکہ ایک ضمانت پہ کوئی بھی شخص ہو, روشنیوں کا شہر کراچی میں جو آپ نے صورت حال دیکھی, یاد رکھے کہ کراچی پاکستان کا فائنینشل کیپٹل, مطلب یہ کہ جب کراچی ترقی کرتا ہے سارا پاکستان ترقی کرتا ہے, آج سے جو پیسے سندھ میں سندھ کی گورنمنٹ کو کراچی میں لگانے تھے وہ پیسہ چوری کر کے یہ ملک سے باہر بھیجتا رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, اس کا کیس اور سرکاری کا اور چوروں کا کیس کیا تھے, لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کو بچایا گیا, ان کے خلاف جو کیسز ملے آگے بھی بڑھے, اور آج اگر پھر مسلط ہے اور جو کراچی میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے مسلط ہے,